दोस्तों, अगर आपके फोन में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया हुआ है और आप अपने फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे फोन का फिंगरप्रिंट है वो साइड में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर किसी किसी फोन में पीछे होता है। जो महंगे फोन होते हैं ना, उसी में सिर्फ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, लेकिन इस चैलेंज को करने के बाद आप सस्ते से सस्ते फोन में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा जो कि हिडन सेटिंग्स होता है, और आपको खुद से अपने फोन के अंदर अप्लाई करना होगा। तो सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे यूज करना है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन में अभी कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपने फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल करता हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो आपके फोन का होम स्क्रीन है ना, उस पर आपको होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको एक हिडन सेटिंग मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके फोन में वॉलपेपर का एक ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी वॉलपेपर सेट नहीं करना है, क्योंकि कई लोग के मन में सवाल होगा कि भाई ये तो वॉलपेपर सेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी वॉलपेपर सेट नहीं करना है। बगल में आपको एक थीम का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस थीम पे टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर सर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको सर्च पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है ORIGIN, ठीक है, ORIGIN। उसके बाद यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में FTW सर्च करना है, कुछ इस तरीके से आपको अपने फोन के अंदर यही लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल FTW का एक ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट के बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आप अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट को लगाना चाहते हैं वहां पर वो लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, और जो भी यहाँ पर आपको पसंद है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली हम इस पर टैप करते हैं। टैप करने के बाद सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर 2 या 3 MB का होगा, तो यहाँ पर आप अपने फोन में इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसे कैसे अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड होने में ज्यादा टाइम लगेगा, 2 या 3 सेकंड टाइम लगता है, तो 2-3 सेकंड यहाँ पर आप वेट कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बगल में आपको कस्टमाइज एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको कस्टमाइज पर टैप करना है। टैप करने के बाद ये क्या होगा कि आपके फोन में सारा ठीक होगा, होम स्क्रीन पर, आइकन पर, सिस्टम पर, सारा पर ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, सिर्फ आपको उस पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद नीचे एक अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा आपको, डायरेक्टली यहाँ से आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर जो मेरा फोन है वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पर मेरे फोन में फिंगरप्रिंट इनेबल हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिलेगा और कुछ इस तरीके से ये देखने में आएगा। आप कहीं भी टच कीजिएगा ये ओपन ही होगा, और जैसे ही यहाँ पर आप टच कीजिएगा आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे फेस लॉक से नहीं खुलेगा, यहाँ पर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट का जो लॉक है ना, सिर्फ उसी से खुलेगा। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फेस लॉक काम नहीं करता है, यहाँ पर जो आपके फोन का फिंगरप्रिंट है यही यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। मेरे फोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, लेकिन हम मैं अपने फोन के अंदर यहाँ पर ला चुका हूँ, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस तरीके से आपके फोन में भी आएगा। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना आपको महंगे फोन में भी इफेक्ट नहीं मिलेंगे जितना आपके फोन के अंदर होता है। तो इसी तरीके से आप किसी भी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं, पर आपके फोन के फिंगरप्रिंट से ही ओपन होगा। जब तक यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगाएगा तब तक आपका जो फोन है वो ओपन नहीं होगा, और जैसे ही यहाँ पर मैं टच करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा फोन है अनलॉक हो चुका है। तो यही आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग करना है, उसके बाद आप किसी भी फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को इनेबल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।